हेलो क्लास सिक्स देखिए बेटा हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जो कि चेंजेस हैं हमारे चारों तरफ हमारे चेंजेस अराउंड अस का मतलब होता है कि जो प्रॉपर चेंजेस हमारे चारों तरफ होती हो होते होती हैं हो रही हैं उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी हमें करनी है लाइन बाय लाइन हम चलेंगे ठीक है ना व्हाट इफ वन वुड बी इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू अगर मान लो आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप अपने चारों तरफ की चीज़ें चेंज कर सको वाट आर द थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज क्या क्या चेंज करना चाहोगे आप देखो ये सो ये ये थिंक कर रहे हैं कि क्या क्या ये कर लें समझ में आ रही है बात ना ये देख रही हो वी डू नाट है मेजिकल पावर्स ऑफ कोर्स बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस हमारे पास ऐसा कुछ मेजिकल पावर नहीं है फिर भी अपने चारों तरफ की चेंज चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं जैसे पर हैवस मैनी थिंग्स ठीक है न कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन बिना जादू के भी कुछ चेंज किया जा सकता है क्या ऐसा कुछ है लिस्ट बना सकते हैं आप मेनी चेंजेज आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन हमारी तरफ कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप होती हैं हमें कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम फील्ड में जो है क्रॉप्स अपने आप टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट ठीक है ना ये हम करते नहीं अपने आप ऑटोमेटिकली होती द फ्लावर्स ब्लूम एंड देम देन विदरा अवे आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी योर नेल्स ग्रो योर हेयर्स ग्रो यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं ना डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती रहती हैं आपने रियलाइज किया है क्या कभी हम्म hmm? कैन सम चेंजेस भी ग्रुप टूगेदर कुछ चेंजों जो अलग अलग चें मतलब कई तरह चेंज रहा है हर बॉडी में हर चीज़ में तो कुछ चेंज को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं क्या हम हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस इट माइट हेल्प वी सम सिमिलरिटीज बिटवीन दैम अगर उनके बीच कुछ सिमिलरिटीज पाएंगी पाई जाती हैं चेंजेस में बहुत सारे चेंजेस हैं तो अगर कुछ तो मतलब बहुत सारे चेंजेस अगर हो रहे हैं तो अगर कुछ चेंजेस में कुछ सिमिलरिटी पाई जाती हैं तो उनको हम ग्रुपिंग करके अलग कर सकते हैं कि ये अलग तरह का चेंज है ये अलग तरह का चेंज है ठीक है ना हाँ तो हम बात कर रहे थे चेंजेस की ना तो अगर सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं चेंजेस में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं तो उनको हम ग्रुप करके अलग अलग, अलग चेंजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं सिक्स पॉइंट वन कैन आल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स सारे चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है क्या कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कोई सब्सटेंस ए है इसको हमने बी में कन्वर्ट किया तो क्या ये बी फिर से ए में कन्वर्ट हो जाएगा क्या रिवर्स का मतलब ये होता है कैन आल चेंजेज ऑलवेज बी रिवर्स एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे हम टेक एयर बैलून एंड फ्ल ब्लो इट हाँ टेक केयर दैट इट डज़ नॉट बस्ट द सेप एंड साइज ऑफ़ द बैलून हैव चेंज जब इसको हम फ्लाएँगे तो इसका सेप और साइज चेंज होगा नाउ लेट द एयर स्केप द बैलून अब इसको छोड़ दें इसको फिर से हम छोड़ दें तो इसकी एयर सारी निकल जाएगी ए बेलून चेंजेज इट्स साइज एंड सेप ऑन ब्लोइंग एयर इन टू एट मतलब कुछ एक्सटर्नल इसमें हम ऐड करें तो अपना सेप और साइज चेंज कर रहा है और जैसे वो एक्सटर्नल एयर हम निकालते हैं वो अपना सेप और साइज रीगेन कर लेता है ठीक है ना अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है एक्टिविटी एक्टिविटी टू देखते हैं टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज इज सोन इन फिगर सिक्स पॉइंट टू लाइक दिस ओके ऐसे फोल्ड करना है हुँ? उसके बाद यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर इन टू ए टायर प्लेन ठीक है ना यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन फिर इसे पेपर को अनफोल्ड कर दीजिए पहले इसको इसमें कन्वर्ट करिए फिर इसको इसके इसमें कन्वर्ट कर लीजिए कहने का मतलब ये है ठीक है न अब एक्टिविटी थ्री देखते हैं टेक सम डफ एंड मेक ए बॉल लाइक दिस ट्राई टू रोल आउट ए रोटी सिक्स पॉइंट थ्री मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट सेव एंड विश टू चेंज इट बैक इन टू अ बॉल ऑफ डॉ अगेन तो मतलब इससे ये डॉग ये मिला हमें इससे हमने रोटियाँ बनाई रोटियाँ हो सकता है हमारे जो हम जिस जो सेब चाह रहे हैं उस सेप की नहीं बनी तो उसको फिर हम रिकनवर्ट इसमें कर सकते हैं इस तरह से सर्किल या गोला बना के ठीक है न ए बॉल ऑफ डो एंड ए रोल्ड आउट रोटी ये बॉल ऑफ डो डॉए और इसको रोटी में कन्वर्ट किया हमारे सेफ की नहीं बनी फिर इसको, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो इंटर कन्वर्टेबल है दोनों एक दूसरे इसमें कन्वर्ट हो जाना है नाउट थिंक अबाउट द थ्री चेंजेस यू ऑब्जॉर्व इन द एक्टिविटी वन टू थ्री वॉट डू यू हैव इन कॉमन कुछ कॉमन चीज़ इसमें दिखी दिखी ये है कि हमेशा जो अगर ए से बी कन्वर्ट हो रहा है किसी भी एक्टिविटी में फिर बी ए में कन्वर्ट हो सकता है ठीक है ना यही कॉमन है और भी कुछ देखते हैं चीज़ वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक इं टू इट्स ओरिजिनल सेप एंड साइज़ वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरो प्लेन वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डॉफ अगेन सी वॉट डो यू कंक्लूड इन ईच ऑफ थ्री एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी इफ द आंसर इज येस इट मीन्स दैट द चेंजेस ऑफकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन भी रिवर्स हम फिर से वो चीज़ पा ले रहे हैं यानी कि एक्टिविटी में रिवर्सिबल है रिवर्स की जा सकती है जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया नाउ लेटेस रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ ए डिफरेंस अब कुछ डिफरेंस से हम करेंगे पहले आप हम देख लें ये तीनों एक्टिविटी इसमें देखिए रोटी बनी हमारे से समझ में नहीं आई तो फिर मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया इसका हमने काफ़ी पहले पेपर से ये बनाया टॉय एरोप्लेन इसको खूब खेला और मतलब इसका जहाँ जहाँ यूज़ हुआ उसके किया और फिर इसको पेपर में रिकन्वर्ट कर लिया ठीक है बैलून इसमें एयर डाला ये सेप लिया अपना सेप साइज़ एयर को निकलने दिया तो सेप साइज़ फिर से सेम हो गया ठीक है ना अब कुछ एक्टिविटी थोड़ा सा इसमें से चेंज करके देखेंगे ठीक है ना टेक द सेम बैलून अब एक्टिविटी फोर में टेक द सेम बैलून अब एक्टिविटी फोर देखते हैं ठीक है ना टेक द सेम बैलून वी यूज यूज द इन एक्टिविटी वन ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ ए स्ट्रिंग टाइटली अब इसको मतलब इसको, इसको इसमें हवा डालनी तो है लेकिन फिर उसको निकलने नहीं देना उसको उसके मुँह के मुँह को बांध देना है ठीक ना प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल और ये क्या होगा बस्ट हो जाएगा अब देखते हैं एक्टिविटी फाइव समझते चलना फिर अभी इसमें जैसे तीन एक्टिविटी के बेसिस पे हमने एक कंक्लूजन निकाला था वैसे फिर दो तीन एक्टिविटी के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकालेंगे टेक द स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच यूज इन एक्टिविटी टू ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट ठीक है ना एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन पहले क्या था उस पूरे पेपर को फोल्ड करके हमने लिया था अब क्या करना है इसी पेपर पे एक एरोप्लेन अपनी पेंसिल या किसी चीज से बना लेना और उसके चारों तरफ से इसको कट करके उतना पेपर निकाल के ये एरोप्लेन के फॉर्म में रख लेना है अगला क्या है रोल आउट ए रोटी फ्रॉम दगेन एंड ऑन एन दवा अब क्या करना है रोटी बेलने के बाद उसको इस तरीके से तवे पे पका लेना है नेक्स्ट होगा क्या देखो तीनों एक्टिविटी जो हमने वन टू थ्री किया उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकला था अब फोर फाइव सिक्स हमने किया अब उसके बेसिस पे कुछ कं, कुछ कंक्लूजन निकलेगा सपोज यू है यू आर आस्ट द सेम थ्री क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी थ्री वॉट वुड यू आंसर बी नाउ जो क्वेश्चन हमने ये तीनों यहाँ पूछा था वही सेम अगर यहाँ रिपीट किया जाए इन तीनों एक्टिविटी के बाद तो क्या हमारा आंसर हो गया देखिए वी सी दैट द changes विच हैव ऑकर्ड इन एक्टिविटी फोर फाइव एंड सिक्स कैन नॉट बी रिवर्स इन तीनों एक्टिविटी में वन टू थ्री में क्या था कि हम रिवर्स हो सकते थे मतलब ए कन्वर्ट हुआ बी में तो बी इज़ आर ऑल्सो कन्वर्टेबल इन टू ए बट ये फोर फाइव सिक्स में रिवर्स नहीं आ सकता मतलब ए अगर बी में चला गया जैसे अगर रोटी बन गई तो रोटी से फिर वो आटा नहीं मिलेगा तो बी से ए फिर नहीं मिलेगा नॉट रिवर्स कैन नॉट बी रिवर्स लिखा मैं यार ठीक है न यू सी यू सी ए पेंसिल एंड एंड इरेजर विद रिपीटेड यूज दे आर शेप एंड साइज चेंजेस इरेजर और पेंसिल हम जब यूज करते हैं तो उसका साइज और सेप चेंज हो जा, होता जाता है जैसे जैसे हम उसका यूज करते जाते हैं ठीक है ना कैन बी रिवर्स दिस चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते यू मस्ट है पॉट वर्किंग ऑन हिज व्हील हि सेप से लंब ऑफ क्ले इन टू ए पॉट ठीक है ना कैन दिस चेंज भी रिवर्स ये खुद सोचिए आप ठीक है ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स तो ये जो ये कंक्लूजन हमने फोर फाइव सिक्स के बाद देखा है उसके बेसिस पे ये एमेजिनेशन आपको करना है ठीक है ना बहुत इजी है सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल सिक्स पॉइंट वन इसको इसका आंसर करेंगे आप फिजिकल मतलब चेंज हो सकता है रिवर्सिबल है कि नहीं रिवर्सिबल है ना सब ये करना आपको, है आपको कि रिवर्सिबल है या नहीं है सम कॉमन चेंजेस पॉइंट वन बिज ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स कुछ चेंजेस यहाँ दे रख रक, दे रखी हैं ये हैं इसमें से आपको ये बताना है कैन बी रिवर्स अगर रिवर्स किया जा सकता है जैसे उबले हुए अंडे को सॉरी रॉ एग को बॉयल किया गया तो ये रिवर्स हो सकता है कि नहीं येस या नो में से एक करना है ठीक है ना अगर अंडा उबल गया तो फिर से क्या उसको रॉ रॉ एक में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या तो अगर यस yes, तो यस yes लिखना नो no तो नहीं तो इस तरह से ये इतनी एक्टिविटीज हैं इसमें ये नो आपको यस या ये नो लिख आपको लिखना है ठीक है ना विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड वही बताना आपको ठीक है ना वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज इट टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स तो चेंज को तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऐसा कि जो ए से बी में गया तो बी से ए में फिर अगर आ जाता है तो रिवर्स्ड और एक ऐसा कि ए से बी में अगर गया और बी से ए में नहीं आ सकता तो कैन नॉट बी रिवर्स तो ये दो बेसिस पे हम किसी चेंज को कन्वर्ट या क्लासीफाई कन्वर्ट सॉरी क्लासीफाई कर सकते हैं ठीक है ना तो ये एक्टिव टेबल सिक्स पॉइंट वन आप पूरा करिए तो फिर इसके आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट हो तो पूछिए नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में विल सी फ्रॉम हियर सिक्स पॉइंट टू ठीक है ना अगर कोई डाउट हो तो पूछो थैंक यू